हालेलुया हालेलुया। 18 फरवरी 2020, याकूब का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 12 से 18 तक। धन्य है वह जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है। परीक्षा में खरा उतरने पर उसे जीवन का वह मुकुट प्राप्त होगा जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यह ना कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन देता है। ईश्वर ना तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सकता है और ना किसी को प्रलोभन देता है। जो प्रलोभन में पड़ता है वह अपनी ही वासना द्वारा खींचा और बहकाया जाता है। वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। प्रिय भाइयों, आप गलती ना करें। सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर के हैं और नक्षत्रों के उन सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरते हैं, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन है और ना परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बने। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस का सुसमाचार, अध्याय 8, पद संख्या 14 से 21 तक। ईसा ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जब ईसा लोगों को छोड़कर घर आ गए थे तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। ईसा ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने ना समझो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं करता, क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है और शौच घर में निकलता है। इस तरह वह खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराए थे। ईसा ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। प्रभु का सुसमाचार, ख्रीस्त की जय। हालेलुया, हालेलुया।